दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी निर्माण की प्रक्रिया को दिखाया गया है। 3D मूवी शुरू हो चुका है। कूद मिलाओ, कितने मजे ले रहा है। ऐसा लग रहा है मानो हम विदेश में हों। खजा दोस्तों अब हम आ चुके हैं राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, वन्य प्राणी सफारी। जू सफारी भी है, नेचर सफारी भी है और ग्लास ब्रिज भी यहीं से होकर जाना है। और दोस्तों यहां पर जू सफारी का एंट्री टिकट आपको मिलेगा, नेचर सफारी का एंट्री टिकट मिलेगा। जू सफारी का जो एंट्री टिकट है वो 100 रुपया है और नेचर सफारी का एंट्री टिकट 150 रुपया है, जो कि आपको ग्लास ब्रिज तक ले जाएगा, बस आपको ले जाएगा। और ग्लास ब्रिज पर चढ़ने के लिए आपको 150 रुपया का टिकट लेना पड़ेगा। दोस्तों जू सफारी के अंदर हम आ चुके हैं और जैसे ही आप जू सफारी के अंदर इंटर करेंगे, जितने भी जानवर हैं यहाँ चिड़ियाघर में, उनका पूरा परिवार आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। अगर लायन है तो लायन का पूरा परिवार, अगर तेंदुआ है तो तेंदुआ का पूरा परिवार आपको देखने को मिलेगा। वो सभी पत्थर के बनाए हुए हैं, तो इसका आप मजा ले सकते हैं और इसके बाद आप अंदर जा सकते हैं जू सफारी में घूमने के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोग जू सफारी घूमने के बाद बाहर जा रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बहुत खुश आ रहा है। कैसा लगा घूम करके? बहुत अच्छा। क्या क्या घूमा आपने, आप लोगों ने? बहुत चीजें देखा। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क घूमे हैं हम लोग। ट्राइडेंट पब्लिक स्कूल से, ट्राइडेंट कैलिक से आए हैं, जो ट्राइडेंट पब्लिक स्कूल का एक यूनिट है। अच्छा। और ये सारे बच्चे क्लास स्टैंडर्ड 8, 9, 10 के हैं। अच्छा। और यहाँ पे राजगीर हम लोग इनको बच्चों को आपने क्या क्या घुमाया? बच्चों को बहुत सारे अलग अलग तरह के, 5 तरह के जानवरों को हमने दिखाया यहाँ पे, जिसमें हिरन के भी लगभग 4-5 प्रजातियां हैं। उसके बाद लगभग बाघ है इसमें, उसके बाद लियोपार्ड है, उस लायन है, डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद साथ ही साथ हम लोग अंदर में ओशन बायोस्कोप भी देखे हैं, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हम लोग प्रकृति को बचा सकते हैं, प्रकृति से हमें कैसे सांस जो ले रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिल रहा है। सबसे ज्यादा जो है हमें वो ओशन के से ही हम लोग को लगभग 80% ऑक्सीजन मिलता है। इन सब चीजों को बच्चों को सिखा रहे हैं और नेचर से कैसे जुड़ना है, कैसे रिलेट करना है, इस चीजों को हम लोग सिखा रहे हैं। और चाहेंगे कि बार बार यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी बुलाकर यहाँ पर इस चीज को, नेचर सफारी को और जो जू सफारी है। आप चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ, सभी स्टूडेंट, सिर्फ अभी बड़े स्टूडेंट आए हैं, लेकिन हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि छोटे बच्चों को भी लाया जाए और उनको भी इस। तो बिहार सरकार से आप कुछ रिक्वेस्ट भी करेंगे? बिहार सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो असुविधाएं हैं, जो प्रॉब्लम अभी भी देखा जा रहा है, चाहे जो जू वगैरह में जो देखा जा रहा है जानवरों को, उसको भरपूर मात्रा में उसको और भी जान। भगवान बुद्ध की स्थली है राजगीर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध ध्यान की मुद्रा में। चलिए अब अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ पर आपको नेचर सफारी का ग्लास ब्रिज का टिकट मिलेगा, 150 रुपया ग्लास ब्रिज पर चढ़ने के लिए। और ये जो नेचर सफारी है किसानों को समर्पित किया गया है, यहाँ पर पूरा किसान फैमिली को आप देख रहे हैं, उनकी रेप्लिका बनाई गई है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं टॉयलेट्स और पानी पीने की सुविधा। यहाँ के टॉयलेट्स बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। वाओ, देखकर मन खुश हो गया यहाँ के टॉयलेट्स को देख करके। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं व्याख्या केंद्र, बच्चों को यहाँ जरूर आना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी निर्माण की प्रक्रिया को दिखाया गया है, बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है यहाँ पर आना अगर आप आते हैं घूमने के लिए। कैसे बंदर से इंसान बने ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। जंगली इंसान से मॉडर्न इंसान तक की यात्रा को यहाँ पर आप देख सकते हैं।
और जानवरों की भी दुनिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं थिएटर, जहां पर 3D मूवी का आप आनंद ले सकते हैं। अंदर चल करके आपको दिखाते हैं। वाव, यहां पर तो ओशियन बायोस्कोप है और पूरी भीड़ यहां पर इकट्ठी हो गई है देखने के लिए। 3D मूवी शुरू हो चुका है। आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है। ये महासागर मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, इसका पानी हर देश की सीमा से परे है। हमें सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन का 50-80% इन्हीं समुद्रों के पानी से आता है। ये सागर एक विशाल संयुक्त परिवार की तरह है, जिसमें ये सभी जीव एक ही घर में रहते हैं। जैसे मछलियाँ, मोलस्क, डॉल्फिन, सील, वॉलरस, क्रस्टेशियन, बैक्टीरिया, समुद्री एनिमोनी और हाँ ब्लू व्हेल भी, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं। इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है। इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर। ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं। हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है। ये देखो मिस्टर कूदबिलाव, कितने मजे ले रहा है। और वो चली मैडम व्हेल इटलाते हुए सनबाथ लेने। और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई बिना किसी सुरताल के। और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी गुर्राती है और कभी चहकती है, क्लाउन फिश है ना। और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है। निर्मला चट्टाने यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है। पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। फाइटोप्लैंक्टन जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुँचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। हाँ, द्वीपी तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुँचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहाँ के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुँचना मुश्किल होता जाता है। और ये क्या, अचानक ये रोशनी कहाँ से आई? ओहो, ये तो जेली फिश का झुंड है, जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियाँ इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आई, और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएंगी। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है, समुद्री जीवों का यमराज बनकर। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं तैरता है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां
मानो किसी कल्पना से कम नहीं, किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है। महासागर गर्म हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। समाप्त। और अब हम 3D मूवी का आनंद लेने के बाद थिएटर से बाहर निकल रहे हैं और इसके बाद हम जू सफारी चलेंगे, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज। और यहाँ से जू सफारी जाने का रास्ता है और थोड़े ही देर में हम जू सफारी पहुँचने वाले हैं और बिल्कुल खुले में ही घूमते हुए जानवरों को आपको दिखाने वाले हैं। और दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं जू सफारी। जू सफारी का एंट्रेंस गेट मेरे पीछे आप देख रहे हैं और खुले में विचरते हुए घूमते हुए आप जानवरों को देख सकते हैं। रियली बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। क्या दृश्य है। और यहाँ पर जो राजगीर का इतिहास है हमेशा बताता रहेगा, वीडियो भी दिखाता रहेगा यहाँ पर। सभी धर्मों से रिलेटेड है राजगीर ये। आप स्लाइडिंग में वीडियो यहाँ पर चलता रहेगा और पूरा राजगीर का इतिहास बताता रहेगा। गजब। दोस्तों अब हम आ चुके हैं जू सफारी के अंदर और बस से हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। जू सफारी को 5 भागों में बांटा गया है। पहले नंबर पर है, बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं, लियोपार्ड सफारी। और दिख गया है लियोपार्ड सफारी चहलकदमी करते हुए जंगलों के बीच में। वाओ। और अब हम लोग आ चुके हैं टाइगर सफारी। गेट खुलेगा, बस अंदर जाएगी। वाओ। बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं बाघ, इधर ही आ रहा है। गजब। और टाइगर सफारी के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं लायन सफारी जोन में और आपको लायन भी दिखाने का प्रयास करेंगे। गजब, दिख गया। और दोस्तों अब हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज के लिए। और आसपास का नज़ारा देखिए। और ग्लास ब्रिज के अलावा और भी आप एंजॉय कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। और दृश्य देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर है, रियली ब्यूटीफुल। और ये स्काई ग्लास ब्रिज जाने का रास्ता है और बिल्कुल सामने आप देखिए चीन के हांगझोउ की तर्ज पर बनाया गया भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज। ऐसा लग रहा है मानो हम विदेश में हो। गजब, विदेश की तरफ फीलिंग आ रही है। और ये जो कांच का पुल आप देख रहे हैं 200 फीट की ऊंचाई पर है, 6 फीट चौड़ा है और बड़ी ही मजबूती से बना है दोस्तों। 40 लोग एक साथ आ सकते हैं। और ग्लास ब्रिज से आप राजगीर के हरी भरी वादियों और पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं।